उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के बाद द्वितीय चरण 14 फरवरी को होगा और इसके बाद आगामी चरण भी संपन्न होंगे। लखनऊ की पश्चिम विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सहाना सिद्दीकी के राजाजीपुरम ई ब्लॉक में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी सहाना सिद्दीकी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस बार का चुनाव इस मुद्दे पर है कि क्या इस मुल्क में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि कल अगर संविधान पर चोट पहुंचती है तो सपा और बसपा घुटने टेक देंगे, क्योंकि इन सब की फाइल खुली हुई है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी खुली फाइल में कुर्बानी ही कुर्बानी है। देखिए, जनता का तो बिल्कुल रुझान भारतीय जनता पार्टी से हटा हुआ है और बहुत अच्छा सहयोग हमको मिल रहा है और जनता तो चाह रही है कि कांग्रेस आए, अपनी पार्टी को फिर से वो याद कर रही है, फिर से वो कांग्रेस वाले के पुराने जो जितने हम एज वाले लोगों से मिल रहे हैं बूढ़े, तो सब कांग्रेस की बातें कर रहे हैं कि इस टाइम ऐसा होता था, इस टाइम ऐसा नहीं होता था, तो सब कांग्रेस को याद कर रहे हैं फिर से। आपकी किससे लड़ाई है? देखिए, हमारी लड़ाई तो नफरत से है, जातिवाद से है और महिला सुरक्षा से है। हमारी इन सब चीज़ों से लड़ाई है, हमारी किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है और हम इसी मुद्दों पे चुनाव जीतेंगे। आपके पश्चिम के कौन कौन से मुद्दे हैं जनता की जो मेन समस्या है? देखिए, बेरोजगारी सबसे मेन समस्या है यहाँ पे पश्चिम की, पश्चिम लखनऊ की, और महिला सुरक्षा, और इसको ये जो कोरोना काल में जितने भी लोग परेशान हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत दिक्कत है रोड की, मतलब यहाँ तो बहुत परेशानियाँ हैं। ये लग ही नहीं रहा है कि ये एक शहर का, मतलब जहाँ हम एक शहर में चुनाव लड़ रहे हैं, जिन गलियों में हम जा रहे हैं तो हमें ये नहीं लग रहा है हम ये शहर के हिस्सों में हैं। तो आप देखिए कितनी ज़्यादा, जो जिन लोगों के लिए हम लोग को सुविधाएँ देने के लिए गवर्नमेंट लाती है उन्हीं लोगों तक ये सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही हैं। क्या अपील करेंगी जनता से? जी, जनता से अपील करेंगे, आपके बीच के हैं, जातिवाद से उठ के अपनी बहन को प्लीज़ वोट दीजिए। पश्चिम जो कांग्रेस का जहां से जज्बाती रिश्ता रहा है, जहां कांग्रेस ने बाई इलेक्शन में भी जीता था, वहां से मैं कांग्रेस उम्मीदवार, जो सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार नहीं है, प्रियंका गांधी की खास उम्मीदवार है, उनको जिताने के लिए, अपील करने के लिए और कार्यकर्ताओं से मिलजुल कर इस चुनाव को जीतने के लिए आया हूँ। मुझे एक खुशी है कि जो मुझे जानकारी मिल रही चारों तरफ से, उसमें साना सिद्दीकी का जीतना तय है और भाजपा, सापा, बसपा कुल मिलाकर भी उनको इतना वोट नहीं मिलेगा जितना साना सिद्दीकी साहब एक अच्छे अंतर जीतेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला भी बुलंद है। हर इंसान दावा ये कर रहा है कि सपा भी यही कह रही है कि हमें 9 की 9 सीटें लखनऊ के अंदर आ रही हैं, बीजेपी भी कह रही है, क्या सीटें इतनी हैं कि जो सबको मिल जाएगी? देखिए, मैं किसी पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा है। कांग्रेस और भाजपा दो ही लड़ रही है पार्टी, बाकी पार्टियां वोट काट रही हैं लखनऊ पश्चिम में। तो मैं इतने कहूंगा कि जो लोग भाजपा की महंगाई से, भाजपा के जिस तरह हालात रहे, नौकरियां छूटी हैं, कोरोना में बद इंतजामी हुई है, बेशुमार मौतें हुई हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिले, यहीं के एमपी ने कहा कि बेड नहीं मिल रहे हैं, यहीं के बगल के मंत्री ने कहा कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। ये वही लखनऊ शहर जहाँ के कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जहाँ के अब भारत सरकार के मंत्री ने कहा था। तो ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि लोगों ने मन बना लिया भाजपा को बदलना है। और आप देख लो, अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पता लगाओ तो पहले राउंड के चुनाव में भाजपा साफ हो गई। एक बात जरूर मैं अहम कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये भारत का लोकतंत्र जिंदा रहे या न रहे उसका चुनाव है। अगर भाजपा का बहुमत आ गया यहाँ तो राज्यसभा में इनका बहुमत हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा चुनाव होगा या नहीं होगा इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तानाशाही वाली पार्टी इसका लोकतंत्र में
कोई विश्वास नहीं है, मजबूरी में लोकतंत्र है। आपका काम नहीं चलेगा बगैर रसोई गैस के, और रसोई गैस 300 पे हमने दिया, 8 साल के अंदर इन्होंने पहुंचा दिया। ना ना, आपकी बजट में 45 रुपया और बढ़ा है, 1100 के पास है। इतना याद रखिए, तो वोटर को बताना पड़ता है कि हम पे चोट हो तो हंसते हो, लेकिन ये चोट तो तुम पर पड़ रही है। और कांग्रेस आएगी तो प्रियंका गांधी का वादा है कि 4 सिलेंडर हम मुफ्त देंगे, तो बिजली हाफ करेंगे। कोरोना के काल में अगर सबसे ज्यादा दम घुटा है किसी का, तो लखनऊ जैसे शहर का घुटा है। मत माफ करना भाजपा वालों को, मत माफ करना। इन्होंने बाप को बेटे की सूरत नहीं देखने दी, और बेटे की जगह बाप बेटे की सूरत नहीं देख पाया, बाप की सूरत नहीं देख पाया, और उसे सुपुर्दे खाक जिसको करना था उसको जला दिया, और जिसे जलाना था उसे सुपुर्दे खाक। तो ऐसी जालिम सरकार कभी भी कहीं भी आज तक नहीं आई। जब लखीमपुर खीरी में रौन दिया गया तो कौन आगे बढ़ा? सोनभद्र में किसानों को 10 को मार दिया गया, कौन आगे बढ़ा? आप अगर देखोगे उन्नाव अगर कोई लड़ा तो कांग्रेस लड़ी। हर जगह हर मुद्दे पर कांग्रेस ने ही मोर्चा संभाला। बात उदाहरण की नहीं, बात आगे की देखिए। कल अगर संविधान पे चोट पहुंची तो ये दोनों घुटने टेक देंगे जिनका नाम है सापा और बसपा, क्योंकि इनकी सबकी फाइल खुली हुई है। सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी है जिसकी खुली फाइल पे सिर्फ कुर्बानियां हैं और कुर्बानियों के सिवा कुछ नहीं है। तो इतना याद रखिएगा, इस चुनाव में अगर आप साना जी को जिताते हैं तो इस गंगा जमनी तहजीब के शहर लखनऊ में यह संदेश जाएगा कि वो लखनऊ जिसने आजादी की लड़ाई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में यही से ललकारा था बर्तानिया हुकूमत से, और यही से ललकारा जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। इनकी सरकार 22-23 जगह है। 22-23 में इन्होंने पंडित जी आपको तो एक जगह भी इस काबिल नहीं समझा कि मुख्यमंत्री बना दे, तो मेहरबानी करके अपनी इज्जत संभालिए और पूरी ताकत से फिर अपने घर में लौट आइए। वही इज्जत है, उसके अलावा कहीं आपकी इज्जत नहीं। खुल के बात करना चाहता हूँ, मैं बहुत खुल के बात करना चाहता हूँ माइनॉरिटी से। हमसे हमारा आपका 136 साल का साथ है। हम आप जब तक मिलकर रहे ये मुल्क मजबूत रहा, और जब कांग्रेस को आपने छेड़ा तो कांग्रेस भी कमजोर हो गई और ये मुल्क भी कमजोर हो गया। जिन्हें मुल्क से प्यार है उन्हें एक बार फिर इस तिरंगे को उठाना पड़ेगा, और जिन्हें मुल्क से नहीं प्यार है याद रखिएगा भाजपा के निशाने पर गलत सही हर ढंग से अगर कोई है तो आप। सापा बसपा की हैसियत नहीं है कि ये खड़े हो सके, अगर हैसियत किसी की है तो उसका नाम है प्रियंका गांधी राहुल। लेकिन इस बार का चुनाव एक अलग मुद्दे पे है, और वो मुद्दा है कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या नहीं रहेगी, लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, होते रहेंगे। लेकिन इस बार का चुनाव एक अलग मुद्दे पे है, और वो मुद्दा है कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी या नहीं रहेगी, लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। दोनों में बहुत फर्क नहीं है, वो गोरे अंग्रेज थे एक काले अंग्रेज, वो भी मजहब के नाम पे बांटकर हमको गुलाम बना रखा था, इन्होंने भी मजहब के नाम पर हमको बांटकर गुलाम बना रखा है। गुलाम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि धीरे धीरे सारी
जितने संवैधानिक संस्था खत्म होती जा रही है, और अगर कहीं 5 साल इनको मिल गया तो फिर इतना याद रखिएगा, अगर मिल गया 5 साल तो इतना याद रखिएगा, चुनाव दोबारा होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता। एक भाई अभी बोल रहे थे, हमारे साथी उम्मीदवार भी थे, उन्होंने एक बड़ी बात कही कि ये समझा जाता है कि ये कांग्रेस भाजपा का यहाँ बहुत उठा है। हाँ था भाजपा का उठा, पर अगर आपका इशारा ब्राह्मणों की ओर है तो मैं बड़ा साफ कर दूं, ब्राह्मण के पास दिमाग होता है। क्या वो नहीं देख रहा कि इन्होंने 91 में पहला मुख्यमंत्री दिया, किसको दिया? कल्याण सिंह, फिर उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री दिया राम प्रकाश जी को, तीसरा दिया राजनाथ सिंह जी को, चौथा दिया हमारे जिन्हें न घर से मतलब न दुनिया जहान से मतलब, उन्हें मतलब सिर्फ एक चीज से है कि कुर्सी बची रहे, बाबा जी योगी जी जो भी कह लीजिए आप इनको, इतना याद रखिएगा। पछुआ भी इन्हीं को डिक्लेयर किया है, तो क्या पंडित जी आप लोग गुंजाइश है किसी की? बिल्कुल नहीं। हम तो कह सकते हैं कि इनको 6 मुख्यमंत्री बनाए इन्होंने, एक बार आप नहीं मौका दिया, हमने तो 6-6 मुख्यमंत्री इसी सूबे में बनाए।